आदिलहरी निर्माण निर्सृत असान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति दारं किशोराकृति। पहले अंतःकरण का पवित्र होना नितांत अपेक्षित है, इसलिए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमद् भागवत एक ऐसा पुराण है
जिसके प्रारंभ में भी महात्मा का वर्णन है और अंत में भी महात्मा का वर्णन। प्रारंभ में पद्म पुराण के अंतर्गत होने वाला महात्मा का वर्णन है और भागवत के अंत में स्कंद पुराण अंतर्गत महात्मा का वर्णन किया गया। कल आपने यह श्रवण किया कि स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठे नाथ अयम रसा। जो श्रीमद् भागवत का परम रस है, दिव्य रस है, वो मात्र इस पृथ्वी लोक पर ही उपलब्ध है और यह श्रीमद् भागवत कथा रस किसी पुण्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वर्गीय शब्द कह करके मानो ये कह रहे हैं कि किसी पुण्य के प्रभाव से यदि आप चाहें कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल जाए तो असंभव। स्वर्गे सत्य च कैलासे यज्ञ यज्ञादि करके शुभाचरण करके वेदांत वेद का अध्ययन करके जीवन को तपमय बना करके और सोचे कि यह श्रीमद् भागवत कथा रस मिल जाएगी तो असंभव है। यह कथा बहुत काल तक निरंतर तप करने से भी प्राप्त होने वाली नहीं। अगर आप सोचें कि चांद्रायण व्रत आदि करेंगे, कूर्च व्रत आदि करके हम इतना तप बढ़ा लेंगे कि उसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलेगी तो कहते हैं यह असंभव है। यहां तक कह दिया वैकुंठे नात्ययम रसः, ये कथा रस तो वैकुंठ में भी प्राप्त होने वाली नहीं है। अर्थात भक्ति करके भगवान को तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि आप सोचें कि भक्ति के प्रभाव से श्रीमद् भागवत कथा रस की प्राप्ति हो जाए तो यह असंभव। श्रीमद् भागवत कथा रस की प्राप्ति तो केवल भगवत कृपा से ही संभव है। स्वयं जाना ही जय देव जनाई और जानत तुम्ही हो जाए। जिस पर परमात्मा की अहैतुकी कृपा होती है, जिसे परमात्मा अपने चरणों में लगाना चाहता है, जिसे अपना बनाना चाहता है, उसके लिए यह श्रीमद् भागवत कथा संभव होती प्राप्त होती है। अन्य किसी मनुष्य को यह प्राप्त हो नहीं सकती। इसीलिए कहा आता है पिबंतु सद्भाग्या, हे सद्भाग्यवानों इस कथा का पान करो, मामा मुंचत करहिचित, इस कथा का भूल करके भी त्याग मत करो, क्योंकि यह असंभव है। कल आपको हमने बताया भी कि भगवती पराम्बा बड़ा निवेदन किया भगवान शिव से कि प्रभु हमको अमर कथा सुना दो। कथावाचक लोग बड़े रसिक ढंग से इस बात को कहते हैं कि किसी समय भगवान शिव अपने गले में मुंडमाला धारण किए विराजमान थे तो भगवती पराम्बा पार्वती ने उनसे पूछा कि प्रभु ये आपके गले में मुंडमाला किसकी है? तो कहा आप नहीं जानती। कहा नहीं, कहा ये आपके ही मुंडमाला है। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि जितनी बार आपने शरीर त्याग किया आपके ये मुंडों की माला बनाकर हमने धारण कर लिया, इतना हम प्रेम करते हैं। तो भगवती पराम्बा ने कहा ये कितने मुंड हैं? भगवान शिव ने कहा ये लगभग 60 की संख्या में है। तब पराम्बा ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए,
हम 60 बार मर चुकी हो, आज तक आप एक बार भी नहीं मरे, इसका क्या कारण? हम 60 बार मर गई हो, आप एक बार भी नहीं मरे। तब भगवान शिव ने बताया, हम अमर कथा जानते। तो कहा, प्रभु आप यदि हमसे प्रेम करते हैं तो अमर कथा हमको क्यों नहीं सुना दिया, हम भी आपके जैसा अमर हो जाते, कभी आपसे अलगाव होता ही ना। तब भगवान शिव ने कहा, ये अमर कथा इतनी आसानी से श्रवण नहीं कर सकोगी, हर किसी के, हर कोई इसका अधिकारी नहीं। लेकिन जब पराम्बा ने जिद किया, तब भगवान शिव अमरनाथ के गुफा में गए और वहां जाकर के भगवती पराम्बा को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। लेकिन वहां भी कल आपने सुन लिया कि केवल 10वां स्कंद तक जो है भगवती पराम्बा श्रवण कर पाई। 11वां स्कंद जहां से वेदांत का प्रारंभ होता है, जहां से उपनिषदों का प्रारंभ होता है, उसको मुक्ति स्कंद कहते हैं, 11वें स्कंद को। जहां से जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन किया गया, जीव के किस स्वरूप का वर्णन किया गया, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया, वहां भगवती पराम्बा पार्वती भी सो गई और श्रवण नहीं कर पाई। तो ये इतनी दुर्लभ कथा है, जब भगवती पराम्बा पार्वती नहीं श्रवण कर पाई, तो साधारण जन को यदि मिल रही है श्रवण करने के लिए, तो निश्चित भगवान शिव की परम कृपा है, भगवान नारायण की परम कृपा है। अब यहां कल आपने महात्म्य की कथा श्रवण कर लिया, अब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती। प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, एक श्लोक में यहां मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्मयादितरतस् चार्थे शुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का मंगलाचरण है, बड़ा ही गंभीर है। पूरी भागवत में जो कुछ कहना है वो सारी बात इस मंगलाचरण में कह दिया गया। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि संपूर्ण वेदों में, संपूर्ण पुराणों में, शास्त्रों में जो भी बात कही गई है वो सारी की सारी बात इस एक श्लोक में मंगलाचरण में कह दिया गया है। ये इतना गंभीर श्लोक है। एक बार स्वामी कर्पात्री जी बीएचयू में, बनारस के विश्वविद्यालय में 4 महीने तक केवल इसी श्लोक पर प्रवचन किया और प्रतिदिन 3 घंटे प्रवचन करते थे। बड़े बड़े वहां के काशी के विद्वान उस समय कापी और कलम लेकर के बैठे थे। 4 महीने कथा चली, चातुर्मास पूर्ण हो गया और अंत में जो है स्वामी जी को यह कहना पड़ा कि देखो भाई अब हम क्या करें, समय बहुत कम था और श्लोक बड़ा गंभीर है, इसलिए हम पूरी तरह से इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो लोगों ने कहा, अच्छा आप कितने दिन में इसकी व्याख्या कर पाएंगे? तो स्वामी जी ने कहा, यदि 1 वर्ष का हमारे पास समय हो तो हम कुछ प्रयास करेंगे इस श्लोक की व्याख्या करने का,
वैसे तो ये इतना गंभीर श्लोक है कि एक साल में भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर श्लोक है, फिर भी हम आपको कहने का प्रयास करेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे तब यह बात समझ में आएगी, नहीं तो बात ऊपर ऊपर जाएगी। इसका प्रारंभ ही जन्माद्यस्य यतः से कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र का जो दूसरा सूत्र है वो भी यही है, जन्माद्यस्य यतः। मानो इसका प्रारंभ में यही से हो रहा है, जन्माद्यस्य यतः से। मानो ये बात व्यास जी कहना चाहते हैं कि ब्रह्म सूत्र में जो भी बात कही गई है वो सारी की सारी बात इस श्लोक में भी कही गई। जो भी बात ब्रह्म सूत्र में कहा गया है वो सारी की सारी बात ये श्लोक में भी कहा गया है। तो जन्माद्यस्य का अर्थ होता है जन्म आदि है जिससे, इसी को उपनिषद में कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति। कहा जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जो ये जगत का पालन करने वाला है और अंत में जगत जिसमें लय को प्राप्त हो जाता है उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। कौन से परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई? तो कहते हैं आनंदेन यो खल्विमानि भूतानि जायन्ते। इस जगत की उत्पत्ति आनंद से हुई, आनंद में ही ये जगत जी पालित हो रहा है और अंत में आनंद स्वरूप उस परमात्मा में ये जगत का लय होता है। तो जो जगत की उत्पत्ति करने वाला है, जो जगत का पालन करने वाला है और अंत में यह जगत जिसमें लय को प्राप्त हो जाता है उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यह बात कह करके मानो एक बात बताना चाहते हैं, देखो जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी में स्थित होती है और उसी में अंत में लय को प्राप्त होती है। जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है और जब घड़ा फूट जाता है तो फिर मिट्टी हो जाता है, लेकिन ध्यान से अगर देखें तो वो जब घड़ा रहता है तब भी मिट्टी ही रहता है। जैसे ये लोग हैं सोनी लोग, सोने से कुंडल बनाते हैं और जब गला देते हैं तो फिर सोना हो जाता है। अब अगर इनके पास बेचने के ले जाइए तो कुंडल का कीमत नहीं करते, सोने की कीमत करते। हमको कुंडल दिखता है लेकिन इनको वो समय भी वो सोना ही दिखता है। इसी तरह ये परमात्मा से ही जगत उत्पन्न हुआ है, परमात्मा में ही अंत में लय को प्राप्त होता है और ज्ञानी की दृष्टि में इस समय भी यह परमात्मा का ही स्वरूप है। इसी को गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ये सारा का सारा जगत वासुदेव का ही स्वरूप है। तुलसीदास जी ने इसी को कहा सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। से सारा का सारा जगत तो सीताराम का स्वरूप है। उपनिषद में कहा ईसा वास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब ईसा वास्य है, परमात्मा से व्याप्त है। और व्यास जी अपनी भाषा में कहा हरिदेव जगत जगदेव हरि हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। हरि ही जगत है और जगत ही हरि है। हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु,
का हरि के शरीर में और जगत में कोई अंतर नहीं है। तो कहना ये चाहते हैं जन्माद्यस्य यतः कह करके मानो ये कहना चाहते हैं कि यह सारा का सारा जगत भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा ध्यान करो। फिर कहते हैं अन्वयादि तरतस, इस जगत के साथ में जिसका अन्वय संबंध है, लेकिन जगत का जिसके साथ में वितरेक संबंध है, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अन्वय वितरेक न्याय की भाषा है, ध्यान दीजिए। कहना ये चाहते हैं कि जब परमात्मा, जब ये जगत रहता है तो परमात्मा रहता ही है, लेकिन जब परमात्मा रहता है उस समय जगत रहे ये आवश्यक नहीं, क्योंकि प्रलय के समय परमात्मा तो रहता है लेकिन जगत नहीं रहता, लेकिन जब जगत रहता है तो उस समय परमात्मा रहता ही। जैसे अभी कुंडल की बात कहे, सोने से कुंडल यदि बना हुआ है तो जब वो कुंडल होगा तो सोना होगा ही, रहेगा ही, लेकिन जब, कहने का मतलब यह है, फिर से उसी पर ध्यान दीजिए, जब प्रलय रहता है तो उस समय परमात्मा रहता ही है लेकिन जगत नहीं रहता है, लेकिन जब जगत रहता है तो परमात्मा उस समय, यह उभयता बात है, थोड़ा न्याय की भाषा इसलिए कम समझ में आ रही होगी कि जब परमात्मा रहता है, जब जगत रहता है तो परमात्मा रहता ही है, लेकिन जब परमात्मा रहता है उस समय जगत रहे ये आवश्यक नहीं है। जैसे अभी हमने कहा कि जब कुंडल रहेगा तो सोना रहेगा ही, लेकिन जब सोना है उस समय कुंडल रहे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि गला देंगे तो वो सिल्ली बन जाएगी और उसमें कुंडल नहीं रहेगा। तो यही कहते हैं जगत के साथ उसका अन्वय संबंध है। फिर कहते हैं अभिज्ञ, वो परमात्मा कैसा है, सर्वज्ञ है। अभिज्ञ माने सर्वज्ञ है, प्रत्येक समय प्रत्येक काल में परमात्मा को सब कुछ बोध रहता है, कौन से जीव को क्या भोग मिलना है, क्या दंड मिलना है, एक ही काल में सब जीवों के बारे में बोध रहता है, लेकिन जीव को स्वयं का भी बोध नहीं रहता कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा, कुछ भी बोध नहीं है, लेकिन परमात्मा को प्रत्येक काल में सब बोध रहता है, इसीलिए परमात्मा को सर्वज्ञ कहा। फिर कहते हैं परमात्मा स्वराट है, स्वयं राजते प्रकाशते इति स्वराट, वह परमात्मा स्वयं प्रकाशित है। अभी आपसे पूछे यह जगत को कौन प्रकाशित करता है, तो आप कहेंगे कि सूर्य प्रकाशित करता है, चंद्रमा प्रकाशित करता है, विद्युत प्रकाशित करता है, अग्नि प्रकाशित करता है, लेकिन यदि पूछा जाए कि सूर्य को कौन प्रकाशित करता है, चंद्रमा को कौन प्रकाशित करता है, तो एक ही उत्तर है कि उस परमात्मा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है, उस परमात्मा के तेज से चंद्रमा प्रकाशित होता है, बल्कि ये कहो कि अग्नि में जो तेज दिखाई दे रहा है ये तेज कोई और नहीं, उस परमात्मा का ही तेज। सूर्य में जो प्रकाशित करने की शक्ति है, जो तेज है, वह कोई तेज और नहीं, उस परमात्मा का ही तेज। तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कहते हैं तमेव भांतम मनुभाति सर्वम,
उस परमात्मा के प्रकाश से सूर्य चंद्र आदि सब प्रकाशित होते हैं, लेकिन उस परमात्मा को दूसरा कोई प्रकाशित नहीं करता, वो स्वयं प्रकाश है। तुलसीदास जी ने भी ये बात कही, कहा वो परमात्मा परम प्रकाश है, परम प्रकाश रूप दिन राति। क्या है वो परमात्मा? परम प्रकाश है। तो परमात्मा के लिए कहा वो स्वराट है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। कहते जिसने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को सर्वज्ञ बना दिया, केवल इच्छा किया, इच्छा करते ही ब्रह्मा को चारों वेदों का बोध हो गया। मुह्यंतियत सूरया, कहते जिस परमात्मा के विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते और उसके यथार्थ स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाते। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्य सर्गो मृषा। कहते हैं यद्यपि यह जगत तीनों काल में मिथ्या है, फिर भी जिसकी सत्यता से यह जगत सत्य के समान प्रतीत हो रहा है। धामना स्वयं सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। कहते जिनकी जिसका ध्यान करने मात्र से यह उहक माया सदा के लिए समाप्त हो जाती है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। यहाँ किसी देवता का नाम नहीं लिया, कहते सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। एक श्लोक में मंगलाचरण किया, फिर दूसरे श्लोक में अधिकारी का वर्णन बताया गया, अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया कि इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है। इस भागवत का विषय क्या है, इसमें लिखा क्या गया है, इस भागवत को सुनने का फल क्या है, और चौथी चीज कहा इस भागवत का प्रयोजन क्या है। ये चार बात बताइए, इसको साथ अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो कहा सबके पहले यहां कहते हैं धर्मा प्रोजित कह दोत्र परमो। इस भागवत में किसका वर्णन किया गया, तो कहते हैं धर्मा प्रोजित कह दोत्र परमो। एक बात बड़े ध्यान से सुने, इस भागवत में धर्म का वर्णन नहीं किया गया, और जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो 17 पुराण हो, चाहे चारों वेद हो, चाहे स्मृतियां हो, चाहे महाभारत हो, प्रत्येक ग्रंथ में धर्म का वर्णन किया गया, लेकिन श्रीमद् भागवत में धर्म का वर्णन नहीं किया गया। तो फिर किसका वर्णन है, तो कहते धर्मा प्रोजित कैत वोत्र परमो। इस भागवत में परम धर्म का वर्णन किया गया। आगे आप सुनेंगे धर्म और परम धर्म में बहुत अंतर होता है। धर्म के द्वारा स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती, क्या दान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये सब धर्म की बात है। और जहां पर केवल एक ही बात बताई जाए कि परमात्मा से प्रेम कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, आप परमात्मा के कैसे हो सकते हैं, केवल ये बात बताई जाए, उसको परम धर्म कहते हैं। तो भागवत में जो है केवल परम धर्म का वर्णन किया गया। किसके लिए?
अधिकारी कौन है इसका सुनने का? तो कहते हैं प्रोधित कैकवोत्र प्रकिष्टेन उज्जिता प्रोज्जिता। कहते हैं जिसके हृदय से कैतव निकल गया है, कपट निकल गया है, ऐसे अधिकारी के लिए यह श्रीमद् भागवत है। कौन सा कपट? एक बात कपट का अर्थ यहां देखो बहुत स्पष्ट बात कहे, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय की इच्छा हो, धर्म चाहता है तो उसके लिए भागवत नहीं, अर्थ चाहता है तो उसके लिए भागवत नहीं है, अगर काम की इच्छा है तो उसके लिए भागवत नहीं है, और अंत में यहां तक कह दिया कि अगर मोक्ष की इच्छा है तब भी उसके लिए भागवत नहीं। श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में लिखा कि अगर मोक्ष रूपी कपट भी हृदय में बैठा हुआ है तब भी उसके लिए यह भागवत नहीं। तो कहा किसके लिए? कहा जो केवल भगवान के लिए रोना चाहते, ये मनोरंजन के लिए भागवत नहीं है। किसके लिए है? आत्मरंजन के लिए है। जो केवल भगवान के लिए तड़पना चाहता है, अगर ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद हृदय में आग नहीं लगी तो समझो कि आपने भागवत सुना ही नहीं। इस भागवत का क्या फल है? कहा जब इसको सुनने मात्र से हृदय में आग लग जाए, तड़पन हो जाए, इतनी बेचैनी हो जाए कि आप एक क्षण भी भगवान के बिना ना रह सके, जब यह स्थिति हो जाए तब समझो कि आपने भागवत श्रवण कर लिया। और जो आग लगे वो ये नहीं कि एक जैसी जलती रहे, नहीं नहीं, एक बार हृदय में लगे आग तो वो विरह की अग्नि बढ़ती जाए बढ़ती जाए। ऐसे लोगों के लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा, जो भागवत केवल भगवान के लिए तड़पना चाहते हैं, केवल भगवान से प्रेम चाहते हैं, कहा उनके लिए यह भागवत। इसीलिए इसमें कहा क्रोधित कैतवोत्र, अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए तो कहा उनके लिए यह भागवत नहीं है। तो इसका अधिकारी कैसे हो? तो कहते हैं निर्मत्सरा राम सताम। निर्मत्सर हो, मत्सर का मतलब दूसरे की उन्नति को देखकर हृदय में दुख हो तो समझो कि मत्सर बैठा हुआ है। निर्मत्सर का अर्थ होता है निर्गता मत्सरा यस्मात् निर्मत्सरा, जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हो, दूसरे के दुख में व्याकुल हो जाते हो, कहा उनके लिए यह जो है श्रीमद् भागवत की कथा है। पर दुख देख द्रवहि सुपुनीता, इसीलिए इसको पारमहंस संगीता कहा गया। निर्मत्सरा राम सताम कहा यह किसके लिए है? तो कहा सताम पुरुषों के लिए, सत्पुरुषों के लिए। देखो ये श्रीमद् भागवत की कथा रजोगुण वालों के लिए नहीं। अगर हृदय में लोभ है, क्रोध आता है तो कहा ऐसे व्यक्तियों के लिए तो है ही नहीं। बात समझने की यह है, अगर आपके अंदर भजन कर रहे हैं लेकिन मन में यह भी चल रहा है कि इसकी प्राप्ति हो जाए उसकी प्राप्ति हो जाए, या माला चल रही है और साथ में पुरानी बैर की बात याद आ रही है, द्वेष बन रहा है, या किसी पर क्रोध आ रहा है, तो समझो कि रजोगुण आपके हृदय में चल रहा है। ऐसे लोगों के लिए भागवत नहीं।
अच्छा, जब रजोगुण वालों के लिए नहीं है तो तमोगुण वालों के लिए तो हो ही नहीं सकती। वास्तव में तो यह भागवत सत्व गुण वालों के लिए भी नहीं है। अगर आप माला जप कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अब पूजन करते समय तृप्ति नहीं होती और पूजा करें और पूजा करें, माला जप रहते हैं और ये भाव बन रहा है और जप करें, ऐसी इच्छा बढ़ती जाती है, प्रेम बढ़ता जाता है, तो समझो कि सत्व गुण का उदय हुआ। लेकिन ऐसे सत्व गुण वालों के लिए भी ये भागवत नहीं। फिर आप कहेंगे गुण तो तीन ही होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर ये भागवत है किसके लिए? तो गीता में भगवान ने कहा निस्त्रय गुणेव भवार्जुन, अगर आपको सत्य को जानना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। जब तक तीनों गुणों से आप ऊपर नहीं उठेंगे तब तक सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। तो यह भागवत उनके लिए है जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, कहा उनके लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा है। अर्थात विशुद्ध सत्व। आगे कहते हैं वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, इसमें ऐसा लिखा क्या गया है? तो कहा इसमें वस्तु का बोध कराया गया है। वस्तु का अर्थ होता है बसत इति वस्तु, जो कण कण में व्याप्त है, जो कण कण में बस रहा है उसी को वस्तु कहते हैं। कहा कण कण में व्याप्त उस परमात्मा का बोध कराया गया है, वही इसके द्वारा वेद्य है, जाना जाता है। इससे क्या होगा? कहा शिवदम, शिवम परम कल्याणम, शिवम परम शांतिम ददात इति शिवदम। कहा इस भागवत को श्रवण करने मात्र से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, परम कल्याण हो जाता है, ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा है। और त्रापत्रयोन मूलनम, तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, वो तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमवा परैरीश्वरः, कहते हैं ऐसा यह श्रीमद् भागवत की कथा यदि हमारे पास उपलब्ध है तो फिर हम अन्य ग्रंथों की शरण में क्यों जाएं? सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। यहां महामुनि कृते लिख रहे हैं, महामुनि कृत का अर्थ टीकाकारों ने तो व्यास जी लिखा है कि व्यास जी के द्वारा रचित है श्रीमद् भागवत की कथा जब हमारे पास है, उपलब्ध है, तो हम दूसरे ग्रंथ की शरण में क्यों जाएं? लेकिन स्वामी कर्पात्री जी महाराज कहते थे नहीं नहीं, महामुनि का अर्थ व्यास जी नहीं होता। कहते थे कि देखो जितने भी ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों की रचना भगवान शिव ने किया और रचना करके भगवती पराम्बा को सुनाया, लेकिन इस श्रीमद् भागवत की रचना भगवान नारायण ने किया और नारायण ने रचना करके सबके पहले अपने पुत्र ब्रह्मा को पढ़ाया, ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को सुनाया। यह दो परंपरा है, नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने सुखदेव जी को, एक परंपरा है, और दूसरा नारायण ने भगवान शेष को सुनाया। अब शेष भगवान ने सनत कुमारों को सुनाया, सनत कुमारों ने फिर से नारद को सुनाया, और नारद ने व्यास जी को सुनाया। तो महामुनि का अर्थ जो है स्वामी कर्पात्री जी कहते थे कि
भगवान नारायण है। अर्थात भगवान नारायण से रचित ये परम ग्रंथ हमारे पास है, फिर हम किसकी शरण में जाएं? आगे कहते हैं सद्यो हृदय नेत्र कृत भी। अच्छा एक बात देखिए, संसार का कोई भी कर्म हो पहले कार्य किया जाता है, फल बाद में मिलता है। खेती करते हैं, बीज आज बोते हैं और 4 महीने बाद फल मिलता है। नौकरी करने वाले 1 महीना तक कार्य करते हैं, काम करते हैं, फिर वेतन मिलता है। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है। भागवत में फल पहले मिलता है और सुनते बाद में। यहां कह रहे हैं सद्यो हृदय अवरुद्धतेत कृत भी। आप कहेंगे वो कैसे? तो कह रहे हैं कि जो है जब आपके हृदय में भागवत सुनने की इच्छा होती है उसी समय भगवान नारायण आपके हृदय में आकर के बैठ जाते। क्यों? आप भगवान की कथा सुने चाहे ना सुने, लेकिन भगवान अपनी कथा सुनते हैं। भगवान अपनी कथा श्रवण करते हैं। हनुमान जी भगवान की कथा श्रवण करते हैं, सनत कुमार भगवान की कथा श्रवण करते हैं। ये सब जहां कथा होती है वहां पहुंच करके और कथा श्रवण करते हैं। तो कहते हैं सद्यो हृदय अवरुद्धतेत कृत भी। जब आपकी इच्छा हुई कि हम भागवत श्रवण करने जाएं, इतना इच्छा होते ही हृदय में आकर के भगवान बैठ जाते। अच्छा हृदय में आके भगवान बैठ जाए तो फल मिल गया कि नहीं? शुश्रूष भी तत्क्षणाद कहते हैं सुनने वाले के हृदय में आकर के भगवान पहले ही बैठ जाते हैं। देखो एक हम आपको भक्तमाल की छोटी सी बात बताएं। भक्तमाल के में कथा आई है कि जो भक्तमाल के रचयिता थे नाभाजी भक्तमाल की रचना किए और रचना करके रोज कथा सुनाते लोगों को। उनके पास एक भगवान थे लड्डू गोपाल, उनका पूजन करते, पूजन करके सामने रख लेते और मानो भगवान को कथा सुनाते थे और लोग भी बहुत सारे लोग आके फिर श्रवण करते थे। कुछ दिन व्यतीत हुआ, एक चोर भी आ गया कथा सुनने। उसने देखा कि नाभाजी के पास तो सोने के भगवान। मन उसका थोड़ा खराब हुआ, अब वह चोरी करने के विचार में आ गया और घात लगा करके भगवान को उठा ले गया। जब भगवान चले गए तो नाभाजी को बड़ा कष्ट हुआ। जमीन पर कुश बिछा करके सो गए। लोगों ने आकर के समझाया कि नाभाजी उठो, स्नान करो, कुछ बना खा लो। उन्होंने कहा किसके लिए स्नान करें, किसके लिए भोग तैयार करें? हम तो केवल इसलिए स्नान करते थे कि हमको ठाकुर जी की पूजा करना है, लेकिन जब जब ठाकुर जी चले गए तो अब किसके लिए स्नान करें, किसके लिए भोग तैयार करें? 3 दिन व्यतीत हो गया, नाभाजी ना तो स्नान किया और ना तो भोग तैयार किया। अंत में चोर को स्वप्न हुआ कि तुम हमको वहीं पहुंचा दो, अन्यथा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। चोर भयभीत हो गया। घास फूस की तो नाभाजी के झोपड़ी थी, वो भगवान की मूर्ति को लेकर के आया, उस झोपड़ी में छेद करके अंदर गिरा दिया। जब आवाज हुई गिरने की तो नाभाजी जल्दी से उठे कि ये क्या आवाज है। जा करके देखा तो भगवान पड़े थे, जल्दी से उठा लिया
और उठा करके सिंहासन पर रखा, स्वयं स्नान किया, स्नान करके भगवान का पूजन किया, उसके बाद भोग भी तैयार किया और जो है भगवान को भोग लगाया। लोगों को पता चला कि नाभा जी के भगवान आ गए। अब भोग लगाने के बाद सामने रख लिए और जैसे हमेशा कथा सुनाते थे उसी तरह बैठ गए और बैठ करके कथा सुनाने के लिए लोगों से पूछा कि अच्छा तो एक बात बताओ, कथा हुई कहां तक थी, उसके आगे हम प्रारंभ करें। जब कहा कथा कहां तक हुई थी तो सब एक दूसरे को देखने लगे, कोई ये बता पाया नहीं कि कथा हुई कहां तक थी। क्यों? ध्यान से सुना नहीं था। जब कोई नहीं बोला तो स्वयं भगवान बोल पड़े, कहा अरे नाभा जी, वह हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद जी को वो खंभे में बांध रहा था, अग्नि के खंभे में, तो हुआ क्या फिर? सारे लोग दंग रह गए, भगवान स्वयं ये बात पूछ बैठे। तो कोई भगवान की कथा सुने या ना सुने, लेकिन भगवान स्वयं अपनी कथा श्रवण करते। तो सत्य हृदय अवरुद्धते तकृदभी, जब आपकी इच्छा होती है कि हम कथा श्रवण करें, उसी क्षण आपके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। अब तीसरा श्लोक यहां बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा हमारे पास तक कैसे पहुंची। कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृताद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम। कहते हैं ये श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया हुआ फल। कल्प वृक्ष के नीचे यदि आप खड़े हो जाएं और जो इच्छा करें संसार की सारी वस्तु मिल सकती, स्वर्ग की सारी वस्तु मिल सकती है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन यहां वहां कल्प वृक्ष के नीचे मोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिए यहां विशेषण दिया कि जैसे कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है, वैसे ये भागवत भी सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन इसमें एक विशेषता और है। कहा क्या? कहा ये मोक्ष भी दे सकता है। इसलिए निगम शब्द जो है विशेषण लगाया कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है। गलितम फलम सुख मुखादमृताद्रव संयुतम। किसी ने कहा अच्छा यह मान लिया कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह फल है, लेकिन हो सकता है खट्टा हो तब, कसैला हो तब। तो कहते नहीं नहीं, अमृताद्रव संयुतम, ये तो अमृत से भी ज्यादा मधुर है, मधुराति मधुर है, बड़ा ही मीठा फल है। तब किसी ने कहा अच्छा मान लिया कि यह मीठा भी है, लेकिन जैसे फल में गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, वैसे इसमें भी कुछ त्याज्य वस्तु भी होगी। तो कहते हैं नहीं नहीं, इसमें ना गुठली है ना छिलका है, अर्थात कोई त्याज वस्तु है ही नहीं, ये तो अमृता द्रव रस ही रस है, इसमें ना गुठली है ना छिलका है, केवल रस ही रस है। इसलिए क्या करना है? कहा पिबत भागवतम रसमालयम। एक बात और कहते हैं, इस भागवत को सुनना नहीं है, श्रवण नहीं करना है, क्या करना है? पिबत भागवतम रसमालयम,
इस भागवत को पीना है। देखो यदि कोई चीज आप श्रवण करेंगे, जब तक यहां बैठे हैं पूरी तरह से याद रहता है, बाहर निकले 50% भूल गया और घर गए 2-4 दिन के बाद पूरा भूल जाता है। लेकिन यदि आपको गाय का दूध दे दें, 1 गिलास पी लो, तो गाय का दूध में जो सार अंश होता है वह शरीर के एक एक अंग में व्याप्त हो जाता है। अगर फिर आप चाहो कि निकालो तो निकाल नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पीबत शब्द कहा।